ये आपके ड्राफ्ट नोट्स में दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन आंसर के फोल्डर में दिया हुआ है। लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग से है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है। लेट्स सी, तो यहां पर एक कंपनी है, एक मूव फास्ट करके कंपनी है और वहां पर मैन्युफैक्चरिंग का लोग काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग शूज एंड स्लीपर्स, बेसिकली फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा रेन से डैमेज हुआ है सितंबर में और चोक सीवर सिस्टम कंपनीज प्रीमाइसेस आर अफेक्टेड रिजल्ट इन स्टॉक डैमेज। मैन्युफैक्चरिंग का इनका काम है, बहुत ज्यादा बारिश हुई है उससे इनका स्टॉक डैमेज हो गया। इंश्योरेंस क्लेम किया 1 करोड़ का, शोन एज क्लेम रिसीवेबल ऑन 31st of March 2023। क्लेम हमने 1 करोड़ का है, इंश्योरेंस सर्वेयर रिकमेंड, उसने रिकमेंड किया सिर्फ 45 लाख रुपए, हमने मांगा 1 करोड़ रुपए, हमने रिसीवेबल दिखा 1 करोड़ का, लेकिन अप्रैल के अंदर, साल खत्म होने के बाद 31st मार्च के बाद अप्रैल के अंदर सर्वेयर बोलता है 45 लाख, और फाइनली कंपनी मान गई और उनको मिले 15 मई को उनको मिले 45 लाख। सब्सटेंटिव ऑडिट और ऑडिट चल ही रहा था, ऑडिट कंप्लीट हुआ मई के महीने में। ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है इसके अंदर? सो लिसन गाइस, इट्स वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि बिकॉज ऑफ रेन्स स्टॉक डैमेज हो गया और इंश्योरेंस क्लेम मांगा है। 31st मार्च को बैलेंस शीट के अंदर 1 करोड़ का रिसीवेबल है। बेसिकली 31st मार्च को एक अनसर्टेनिटी है, एक अनसर्टेनिटी है और वो अनसर्टेनिटी के अंदर हम लोगों ने 1 करोड़ का रिसीवेबल बुक करके रखा है। इसके बारे में साल खत्म होने के बाद में, ठीक है, सर्वेयर की रिपोर्ट आना और फिर पैसे मिलना, ये इवेंट है, ये इवेंट क्लैरिफाई कर रहा है, ये इवेंट क्लैरिफाई कर रहा है जो अनसर्टेनिटी थी, जो डाउट्स थे, जो कॉन्टिजेंसी थी एज ऑन बैलेंस शीट, उसको क्लैरिफाई कर रहा है। जहां पे हमने 1 करोड़ का रिसीवेबल बताया था उसकी जगह पे हम लोगों को 45 करोड़ का रिसीवेबल बताना पड़ेगा। ये हमको क्लैरिटी मिल रही है, इट इज अ एडजस्टिंग इवेंट, इट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एडजस्टिंग इवेंट। 31st मार्च को डाउट बना हुआ है, रिसीवेबल को डाउट बना है और हमको क्लैरिटी मिल रही है, उसको एडजस्ट कर देना चाहिए पीएनएल में, उसका इफेक्ट लेना चाहिए, आपके जो प्रॉफिट से 55 लाख से कम हो जाएंगे, ठीक है, और 55 लाख से कम हो जाएंगे। सो इट इज अ एग्जांपल सब्सिक्वेंट इवेंट्स के अंदर ये एडजस्टिंग इवेंट का एग्जांपल है। अब इन्होंने एडजस्ट, ये तो मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बोला कि भाई इसका इफेक्ट लेना चाहिए, इट्स एडजस्टिंग इवेंट। ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर? देखिए, उनके आंसर से मैं खुश नहीं था, आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द वे दे ड्राफ्टेड द आंसर मॉड्यूल के अंदर। बस उन्होंने तो क्या अकाउंटिंग होनी चाहिए बोलकर वो आ गए, लेकिन उसके थोड़ी मार्क्स मिलेंगे। अरे वहां पे सवाल पूछा है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो आपने समझानी चाहिए इसमें। इसीलिए हम लोग ऐसे 560 का हम लोग रेफरेंस देंगे, उसका पूरा नाम लिखेंगे, उसका जो कॉन्सेप्ट है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इवेंट्स विच आर हैपनिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट टू द डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट, उसकी जो जिम्मेदारी है पूरी जिम्मेदारी को हम लोग समझेंगे। अगर आप रिकलेक्ट कर रहे हो, ऑडिटर की ड्यूटी है वो समझाना पड़ेगा, ऑडिट प्रोसेस समझाना पड़ेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाना पड़ेगा, रिटर्न रिप्रेजेंट समझाना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ पूरा लिखो, ये पूरा लिखो, आपको मार्क्स चाहिए ना, आपको मार्क्स चाहिए, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको केस को डिस्कस करना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा था, एक अनसर्टेनिटी 31st मार्च के, हमको सब्सिक्वेंटली पैसे मिल गए, ठीक है। तो सिचुएशन प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट, इट इज अ एडजस्टिंग इवेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन 31st मार्च शुड बी एडजस्टेड, ये एडजस्टिंग इवेंट है फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट शुड इंश्योर प्रॉपर रिफ्लेक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका इंपैक्ट लेना पड़ेगा एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क। इससे हमको एडिशनल एविडेंस मिल रहा है, ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है, वो एडजस्टिंग इवेंट है, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपैक्ट लेना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट अगर ये नहीं करता है, ठीक है, तो हमको ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। बट मैंने जो इंक्लूड किया है कि आप पूरा कॉन्सेप्ट समझाओ, बस इतना सा आंसर लिख के नहीं जाएगा, मैंने नोट भी डाला, वी हैव इंक्लूड एडिशनल पॉइंट्स टू मेक आंसर मोर अप्रोप्रिएट एज पर क्वेश्चन आस्क्ड। भाई ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस मॉडिफाई करना कि नहीं करना ये जिम्मेदारी थोड़ी, पूरी आप पूरा समझाइए और फिर उसमें आप केस डिस्कस करने के बाद में बोलिए कि भाई ये तो एडजस्टिंग इवेंट है, अगर अकाउंटिंग कर ले तो बहुत बढ़िया, अगर अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में क्लैरिटी रखिए, जब भी आपको एडजस्टिंग इवेंट के बारे में क्वेश्चन आए, आप पूरी जिम्मेदारी को समझाना है आपको, और उसके बाद में एडजस्टिंग इवेंट अगर एडजस्ट कर लो बराबर तो क्लीन रिपोर्ट, नहीं करो तो मॉडिफाई करो, वो आपको आखिरी में बोलना पड़ेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सीए अनुज इज ऑडिटर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, बंदा ऑडिटर है ऑफ लिस्टेड कंपनी फॉर फाइनेंशियल 31st मार्च 2023 कंसिडरिंग फाइनलाइजिंग द ऑडिट रिपोर्ट। बंदा ऑडिटर है, फाइनलाइज करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है, फाइनल द ऑडिट रिपोर्ट बाय 31st ऑफ जुलाई, 31 जुलाई तक हमारे पास में टाइम है। तो हमारे पास में बीच में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने, साल खत्म होने के बाद में 4 महीने। 17 अप्रैल
ये बीच में इस साल खत्म होने के बाद और फाइनलाइजेशन से पहले बीच में 17 अप्रैल को डिविडेंड ऑफ 1 crore इज प्रपोज्ड. डिविडेंड ऑफ 1 crore इज प्रपोज्ड 10 पर शेयर. दिस प्रपोजल इज लाइकली टू बी अप्रूव बाय एजीएम में. इसको अप्रूव पहले प्रपोज होगा फिर एजीएम में अप्रूव हो जाएगा. क्वेरी, वापस ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वापस ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पूछा है. वापस मैंने सेम, मैं बहुत शॉर्ट में नहीं निपटा सकता आंसर को, भैया मार्क्स नहीं मिलेंगे. वापस मैंने SF 560 का रेफरेंस दिया. अगर सब्सिक्वेंट इवेंट्स होते हैं आफ्टर बैलेंस शीट डेट इन द डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट, तो ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी पूरा समझाओ, फिर केस डिस्कशन करो. मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके से आंसर हम लोग, ये जो मैं आपको बार बार फॉर्मेट बता रहा हूं ना, आंसर ड्राफ्टिंग स्किल्स बोलते हैं, इससे आंसर ड्राफ्टिंग स्किल्स एस्टैब्लिश होती है. हम लोग क्या करते हैं आंसर क्वेश्चन, हम लोग आंसर पे आंसर पढ़ते जाते हैं, हम लोग आंसर पे आंसर पढ़ते जाते हैं, आंसर समझ में आ जाता है, लेकिन हमारे अंदर की ड्राफ्टिंग स्किल्स पैदा नहीं होती, ड्राफ्टिंग स्किल्स निकल कर नहीं आती. ये फॉर्मेट देख देखकर आपकी ड्राफ्टिंग इंप्रूव होनी चाहिए कि पहले कौन सा ऐसे लगता है वो आइडेंटिफाई करो, वो लिखो, फिर सोचो मेरे बुक में से कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पर लिखना है, कौन सा कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर लिखना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट लिखना चाहिए, पूरे केस को फिर से पूरा डिस्कस करना चाहिए. अगेन यू शुड डिस्कस एंड देन यू शुड कम टू कंक्लूजन. तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई डिविडेंड जो डिविडेंड प्रपोज किया है साल खत्म होने के बाद में, एज पर एएस इंडिया डिविडेंड की अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, एडजस्टिंग इवेंट वो नहीं है, नो नीड टू एडजस्ट इट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बट लेकिन शेड्यूल 3 के हिसाब से, शेड्यूल 3 के हिसाब से इसको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा एज अ प्रपोज डिविडेंड. उसको एज अ प्रपोज डिविडेंड हम लोगों को बताना पड़ेगा, वो जरूरी है, और देखना चाहिए उसको बराबर बताया कि नहीं बताया. ठीक है, अगर बता देंगे सब सही तरीके से बहुत बढ़िया, नहीं तो हमको ओपन मॉडिफाई करना पड़ेगा. सिंपल, डिविडेंड प्रपोज बाय बोर्ड आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड नो लाइ. ठीक है, इट इज ओनली प्रपोज्ड डिविडेंड, अभी प्रपोज्ड है, डिविडेंड अभी प्रपोज्ड है, तो एएस इंडिया के हिसाब से अभी वो लाइबिलिटी नहीं बना है, बैलेंस शीट पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. एएस और इंडिया दोनों के हिसाब से द प्रपोज्ड डिविडेंड डजंट नीड टू बी रिकॉग्नाइज, इसकी कोई अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. इट्स एन इवेंट दैट डजंट रिक्वायर एडजस्टमेंट, डजंट रिक्वायर एडजस्टमेंट. द प्रपोज डिविडेंड शुड बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको सिर्फ डिस्क्लोज करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, नोट्स टू अकाउंट्स में. दैट्स इट, दैट टू इंश्योर दैट प्रपोज डिविडेंड इज डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट्स, वेरीफाइंग इन लाइन ऑफ 560. बस बहुत सिंपल सी बात है. ऊपर जो एग्जांपल था वो एडजस्टिंग इवेंट का एग्जांपल था, नीचे जो एग्जांपल है वो एडजस्टिंग इवेंट का एग्जांपल नहीं है. डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉपी पेस्ट, दोनों जगह ऐसे का रेफरेंस गया, दोनों जगह ऑडिटर की जिम्मेदारी गई, दोनों जगह केस को डिस्कस किया गया, एक जगह बोला गया कि भैया अकाउंटिंग कर लेने तो मॉडिफाई कर लेंगे, यहां पर भी बोला गया भैया नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर दे नहीं तो मॉडिफाई करना पड़ेगा. तो आपके दिमाग में पैटर्न क्लियर होना चाहिए कि जब भी ये लोग एडजस्टिंग इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, Whenever they talk about adjusting events, ऐसे adjusting events का example दिया, हमको पूरी कहानी लिखनी है. ये सिर्फ proposed dividend की बात कर रहे हैं, हमको पूरी कहानी लिखनी है. ठीक है, now so both were very simple, straightforward. Auditor की responsibility क्या है वो हमको समझाना है दोनों के अंदर. फिर सी एस ओमिया इज ऑडिटर ऑफ पोल्ट्री कंपनी, पोल्ट्री कंपनी के ऑडिटर है. Incorporated in 2013, काफी साल पहले, expand market from northern to eastern parts of the country, हर जगह तक फैला हुआ है market. Challenges, bird flu, sales dropped from 50 crores to 10 crores due to pandemic and recurrent bird flu outbreaks. Sales बहुत गिर चुके हैं, sales 50 crores से 10 crores पे आ चुके हैं. Basically poultry farm है और COVID की वजह से, pandemic की वजह से, bird flu की वजह से sales अचानक 50 crores से 10 crores पे, मतलब financial हालत खराब हो रही है. मेजर पार्ट ऑफ लाइव स्टॉक जो पूरे उनके पोल्ट्री के अंदर जो बर्ड्स थे वो पूरे खत्म हो चुके, मेजर पार्ट इज गॉन. ठीक है, हालत खराब है, लाइव स्टॉक आपका खत्म हो चुका है और सेल्स आपके ड्रॉप हो चुके हैं. मैनेजमेंट का प्लान है न्यू बैचेस, बर्ड्स के नए बैचेस उनकी उनको, ठीक है, और बर्ड्स के नए बैचेस लाने पड़ेंगे, नए बैचेस आपको लाने पड़ेंगे. ठीक है, उनको फिर से नए बर्ड्स को ग्रो करना पड़ेगा. तो न्यू बैचेस प्लान करने के बारे में, न्यू बर्ड लाने के बारे में सोचना चल रहा है. वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी जो लोन है उसको रीस्ट्रक्चर करने के बारे में सोच रहे हैं. नो फ्रेश क्रेडिट फैसिलिटीज एंड द प्लान्स फॉर लॉन्गर क्रेडिट फ्रॉम एनिमल फीड सप्लायर. रीस्ट्रक्चर्ड वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी फ्रॉम बैंक, नो फ्रेश क्रेडिट. भाई क्रेडिट फैसिलिटी को ही फिर से रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, कोई फ्रेश लोन आसानी से नहीं मिल रहा है. और सप्लायर्स को हम लोग बोलेंगे थोड़ा लेट पेमेंट करेंगे यार, आप थोड़ी हमको हेल्प करो, हम आपको लेट हेल्प करेंगे. तो न्यू बैचेस शुरू कर रहे हैं. फाइनेंशियल सपोर्ट आ रहा है फ्रॉम बैंक्स, फ्रॉम सप्लायर्स फाइनेंशियल सपोर्ट आ रहा है. सेफ्टी
सेफ्टी मेजर्स, एग्रेसिव वैक्सीनेशन प्रिवेंशन, हेल्थ चेकअप्स एंड फ्रीक्वेंट वेटरनरी विजिट्स, आगे से कोई बर्ड में कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए सेफ्टी देखे जा रहे हैं। एनवायरमेंट कंसर्न, इनके ऊपर और इल्जाम है, एक्यूजेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। हालत खराब ही थी, हालत खराब ही थी, अब यहां पे और बस भाई कबर में थे ही, और दो तीन खिल्ले और ठोक दो, ठीक है। एक्यूजेशन है एयर, एक्यूजेशन है एयर, एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो रहा है बोले। फिर कैश फ्लो फोरकास्ट अगले कैसा दिख रहा है वो भी दिया है। डिस्कस ऑल्टर्स, डिस्कस द अप्रोच ऑफ फॉर एग्जामिनिंग गोइंग कंसर्न अजम्पशन स्पेशली इन रिलेशन टू द कैश फ्लो फोरकास्ट। ये इंपॉर्टेंट, स्पेशली टू कैश फ्लो फोरकास्ट। बेसिकली कैश फ्लो फोरकास्ट कैसे चेक करेंगे इसके बारे में पूछ रहे हैं। पूरा माहौल बनाया, पूरी कहानी बनाई, पूरा माहौल है, पूरी कहानी है, एकदम रियलिस्टिक है, या कोविड है, बर्ड फ्लू है, फलाना है ढिकाना है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट है, ठीक है। और कैश फ्लो फोरकास्ट के एनालिसिस की बात कर रहे हैं। आप एसए 570 का गोइंग कंसर्न का दीजिए, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर समझाइए, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर समझाइए, इंक्लूड इनिशियल डिस्कशन ऑन एडिशनल प्रोसीजर पॉइंट्स रिलेटेड इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट प्लान एंड कैश फ्लो फोरकास्ट। लिसन, अगर आपको थोड़ा याद होगा तो हम पढ़कर आए थे स्टेप नंबर वन में। स्टेप नंबर वन में हम देखते हैं whether there are events and conditions which create significant doubt or going concern। हम लोग देखते हैं कोई events and condition है कि जो बहुत significant doubt create कर रहा है और going concern। अगर ऐसे significant, ठीक है, events or condition है creating significant doubt or going concern, ठीक है। Now वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर ऐसे डाउट है तो हम अगले स्टेप पे आते हैं, एडिशनल प्रोसीजर्स। एडिशनल प्रोसीजर्स, वी गो फॉर एडिशनल प्रोसीजर्स, ठीक है। और एडिशनल प्रोसीजर्स में मैंडेटरी, अगर आपको याद है, पहले उसका रिस्क असेसमेंट मंगवाते हैं कि भाई तुम्हारा रिस्क असेसमेंट बना के लाओ, ठीक है। फिर रिस्क असेसमेंट, फिर उसके मैनेजमेंट के एक्शन प्लान पढ़ते हैं, उसकी वजह से फोरकास्ट कैसे बनेगा, फाइनेंशियल प्लान कैसे बनेंगे वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली क्या फेवरेबल अनफेवरेबल, उसका इंपैक्ट लेते हैं, ठीक है। एंड देन फाइनली रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले जाता है। बेसिकली वी डू लॉट ऑफ एनालिसिस। आपको बताना पड़ेगा कि भाई स्टेप नंबर वन में गड़बड़ मिली तो एडिशनल ऑडिट प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है, एडिशनल ऑडिट प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है, फिर इवेल्युएट किया जाता है। एडिशनल ऑडिट प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, उसमें मैनेजमेंट का प्लान कितना अच्छा है वो डिस्कस किया जाता है, कैश फ्लो फोरकास्ट क्या बोलता है वो भी देखा जाता है, इवन दैट इज सीन, ठीक है। सो गाइज, आपको यहां पर ठीक है खास फोकस रखने के लिए बोला गया आपके कैश फ्लो फोरकास्ट पे, ठीक है। तो केस बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, केस इंटरेस्टिंग सा है, और इसका आंसर भी उन्होंने ऑनेस्टली स्पीकिंग ये भी नया, एक ऑल टुगेदर इन्होंने नई चीज की है, ठीक है। जनरली ओके, तो माहौल ऐसा बना है कि भाई हालत बहुत खराब है, हालत बेसिकली बहुत खराब है, इतनी ऐसी चीजें हैं कि जो हमारे मन में डाउट क्रिएट कर रही है। देर आर फाइनेंशियल इशूज है, ऑपरेशनल इशूज है। तो बेसिकली इस कंपनी के अंदर स्टेप वन के हिसाब से इवेंट्स एंड कंडीशन है विच क्रिएट सिग्निफिकेंट डाउट और गोइंग कंसर्न। फाइनेंशियल इश्यूज भी है और ऑपरेशनल इश्यूज भी है। बर्ड्स नहीं, फाइनेंशियल इश्यूज है, पैसों की कमी है, ठीक है, दैट्स अ फाइनेंशियल इशू। बर्ड्स नहीं है उनके पास में, पोल्ट्री फार्म है लेकिन बर्ड्स नहीं है, वो भी उनका एक ऑपरेशनल चैलेंज है, ठीक है। और एनवायरमेंट को लेकर लोग सवाल उठा रहे, वो भी एक ऑपरेशनल चैलेंज है। तो आपको ऐसे 570 का रेफरेंस देना चाहिए, और मेरी अगर बात मानेंगे तो ऐसे 570 में आपने स्टेप 1, 2, 3 का एक ओवरव्यू दे देना चाहिए। जब भी आप ऐसे 570 को रेफर करें, आपने ओवरव्यू ओवरव्यू ऑफ स्टेप 1, 2, 3 आपने ओवरव्यू दे ही देना चाहिए आपने स्टेप 1, 2, 3 का एक थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपने देना चाहिए। स्टेप नंबर वन बोला इवेंट्स एंड कंडीशन देखने के लिए, स्टेप नंबर टू के अंदर बोला एडिशनल प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए, स्टेप नंबर थ्री में कंक्लूजन रिपोर्टिंग के बारे में एक ओवरव्यू दे दो आप। और उसके बाद में आप आइए कि भाई इसके अंदर स्टेप नंबर टू में हमको एडिशनल ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ेगा, एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा, ताकि इसके बेसिस पे हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सके अबाउट मटेरियल अनसर्टेनिटी एंड गोइंग कंसर्न, ताकि इसके बेसिस पे हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सके।
हमने मिटिगेटिंग फैक्टर्स भी लेने चाहिए, ये बताइए। फिर उसके अंदर के दो बातों के ऊपर डिस्कशन हमने किया है, मैनेजमेंट के क्या प्लान है वो देखना सब बहुत जरूरी है, आर दे एडिक्वेट, कल पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, आर दे एडिक्वेट मैनेजमेंट के जो प्लान है आर दे एडिक्वेट एंड आर दे फीजेबल। और कैश फ्लो फोरकास्ट में हमने पढ़ा था कि भाई कैश फ्लो फोरकास्ट है उसमें देखना पड़ता है कि डेटा रिलायबल है क्या, whether the underlying data which is used is reliable, फिर जो assumptions है वो reasonable है क्या, acceptable है क्या, वो हमको देखना पड़ता है। Okay, so now we have to take these concepts. तब यहाँ पे ये art रहेगा, उन्होंने पूछा भी है question में, लेकिन थोड़ा introduction आना ही चाहिए, management plan के बारे में discussion होना ही चाहिए, फिर cash flow forecast के बारे में discussion। मैं तो बोल रहा हूँ अगर आप management's assessment of going concern के बारे में लिख दे तो चलेगा, तो आपको स्टेप नंबर टू के पॉइंट्स लिखने हैं, आप पांचों पॉइंट्स लिखोगे तो भी चल जाएगा मैं बोल रहा हूं। फिर आपको आना है स्पेसिफिक इवैल्यूएशन पे, ठीक है, स्पेसिफिक इवैल्यूएशन पे आपको आना पड़ेगा। आपने बोला लाइव स्टॉक, ठीक है, अब जो मैनेजमेंट की चीजें हमको समझनी पड़ेगी, ऑपरेशन इश्यूज है इनके बर्ड के, ऑपरेशन इश्यूज, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये जो बोल रहे हैं कि नया बैच लाएंगे, ठीक है, वेरीफाइंग अजम्पशन रिगार्डिंग द न्यू बैच ऑफ लाइव स्टॉक एंड फंडिंग अरेंजमेंट्स, जिनका अजम्पशन है कि भाई न्यू बैच ऑफ लाइव स्टॉक आ जाएगा, नए बर्ड्स आ जाएंगे, कब सही में आएंगे, नहीं आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, प्लान के अंदर घुसो, ऑपरेशनल चैलेंजेस है, प्लान के अंदर घुसो कि भाई ये नए बर्ड्स को ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे। फिर इनके रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है वर्किंग कैपिटल लोन का, इनके वर्किंग कैपिटल लोन का रिस्ट्रक्चरिंग, देखो आप जाकर देखो कि क्या रिस्ट्रक्चरिंग, कितना बड़ा लोन है, क्या रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, इनको कब रीपे करना है, कब रीपे, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, कब से रीपेमेंट शुरू हो रहा है, क्या ईएमआई आने वाले है, वो उसको आप और समझो। सप्लायर इनको हेल्प करने वाले, जाकर समझो सप्लायर सही में हेल्प करने वाले क्या, लॉन्ग क्रेडिट क्या, लंबे समय तक एनिमल फीड के जो सप्लायर्स है ये लोग हेल्प करने को सही में तैयार है क्या, उनसे हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले, उनसे कंफर्मेशन ले सकते हैं। ये लोग सेफ्टी के लिए कर रहे हैं कि भाई सेफ्टी के लिए कि भाई नए ये जो बर्ड्स है ये सेफ रहे, उससे खर्चा बढ़ेगा, उससे एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, उसको टेकन इनटू अकाउंट फॉर इंक्रीज एक्सपेंडिचर लिया क्या इन्होंने अपने, ठीक है, हेल्थ चेकअप, वैक्सीनेशन, ये सब इसका इंपैक्ट लिया है क्या। एनवायरमेंटल कंसर्न्स, क्या लोगों के एलिगेशन है, एयर पोल्यूशन क्या एक्विजिशन है, कितने रियलिस्टिक है, कितना उस पर इंपैक्ट है, कितना एक्सपेंडिचर आएगा, एक्सपेंडिचर इंप्लीकेशन कैश फ्लो, ये समझना जरूरी है। देखो आपको बाकायदा बोलना पड़ेगा, ऑपरेशन इश्यूज में लाइव स्टॉक के बारे में बात करेंगे, ठीक है, उनके सेफ्टी के बारे में बात करेंगे, ये ऑपरेशन इश्यूज है, लाइव स्टॉक, उनकी सेफ्टी और एनवायरमेंटल इश्यूज। फिर ये आपके फाइनेंस वाले चैलेंजेस है, लोन्स कैसा है, सप्लायर क्रेडिट मिलेगा क्या, उसके चैलेंजेस है, ठीक है, तो आपको ये डिस्कशन करना पड़ेगा। ये ऑल टुगेदर एक नया क्वेश्चन है मॉड्यूल में, और अच्छा लगा मेरे को। देखो इसके पहले भी स्टेप नंबर टू पे काफी क्वेश्चन रहते थे और आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन होना स्टेप नंबर टू, तो इससे मैंने अपने क्या सीखा, ऐसे 570 जब भी आता है आप एक ओवरव्यू दे दो स्टेप नंबर 1, 2, 3 का, आपको थोड़ा भी डाउट है स्टेप नंबर 1 पूरा लिख देने का, जहां पर भी स्टेप नंबर 1 पूरा लिख दो या स्टेप नंबर 2 पूरा लिख दो या स्टेप नंबर 3 पूरा लिख दो, जहां पर भी आपको डाउट है कि भाई कितना पोर्शन लिखना पड़ेगा ऑन सेफर साइड, और आपको छानबीन जब करते हैं तो कैसे ऑपरेशनल इश्यूज की छानबीन करना, फाइनेंशियल इश्यूज की छानबीन करना, उसका बहुत अच्छा एग्जांपल उन्होंने बनाकर दिया हुआ है। तो हम लोग जो बोलते हैं कि एडिशनल प्रोसेस परफॉर्म करो और एविडेंस ऑब्टेन करो, डेप्थ में जाओ, इसी को हम डेप्थ में जाना बोल रहे हैं, ठीक है, इसी को बोल रहे हैं ऑपरेशनल फाइनेंशियल इश्यूज के डेप्थ में जाना। नाउ सूरज ऑब्जर्व्स डिटोरिएटिंग की फाइनेंशियल रेशियोज, बेसिकली फाइनेंशियल रेशियोज डिटोरिएट हो रहे हैं, ओके, क्रेडिटर्स को और प्रॉब्लम्स है, क्रेडिटर्स को टाइम पे नहीं कर पा रहे, ओके, बैंकर्स इग्नोर कर रहे हैं, हमको लोन चाहिए लोन नहीं दे रहे, बहुत ज्यादा लॉसेस हो चुके हैं, प्रोडक्ट को बिलो कॉस्ट बेचना पड़ रहा है, स्टाफ की सैलरीज टाइम पे नहीं कर रहे, अरे भाई दिक्कत ही दिक्कत है, एक दो नहीं प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, भयंकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पा रहे, स्टाफ को पे नहीं कर पा रहे, पैसा नहीं मिल रहा है, रेशियोज खराब हो चुके हैं, लॉसेस ही लॉसेस है। सीएफओ इन्फॉर्म्स इन दैट मैनेजमेंट इन टर्न इज रेडी टू इंक्लूड डिस्क्लोजर, वेरी इंटरेस्टिंग, नाउ डिस्क्लोजर द इनअप्रोप्रिएटनेस ऑफ यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन। सीएफओ बोल रहा है कि हमारे बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, अगले 12 महीने हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे हमको नहीं मालूम, अगले 12 महीने हम लोग कैसे सर्वाइव कर पाएंगे हमको नहीं मालूम, ठीक है, सो दैट्स अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। वो बोल रहे हैं कि गोइंग कंसर्न को लेकर पूरा डिस्क्लोजर कर देते नोट्स टू अकाउंट्स में, गोइंग कंसर्न को लेकर पूरा डिस्क्लोजर कर देंगे नोट्स टू अकाउंट्स में। हाउ शुड इट इंपैक्ट द ऑडिटर्स ओपिनियन,
हाउ शुड इट इंपैक्ट द ऑडिटर्स ओपिनियन केस मैनेजमेंट इटसेल्फ डिस्क्लोजेस इन केस मैनेजमेंट इटसेल्फ डिस्क्लोजेस द इनअप्रोप्रिएटनेस ऑफ इट्स यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन. ठीक है, हाउ शुड इंपैक्ट द ऑडिटर्स ओपिनियन. ऑडिटर को क्या ऑडिटर क्या ओपिनियन देना पड़ेगा. मैनेजमेंट बोल रहा है गोइंग कंसर्न मेरा बराबर नहीं है, इसका डिस्क्लोजर मैं नोट्स टू अकाउंट्स में देता हूं. ठीक है, मैनेजमेंट खुद होके डिस्क्लोज कर रहा है इनअप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन. अब आप लोगों ने खुद ने सोचना चाहिए क्या होगा इसके अंदर, व्हाट शुड हैपन. ठीक है, ओके. सबसे बहुत ही इंटरेस्टिंग जो बात है, अगर आपके आई डोंट नो आपके दिमाग पे क्लिक हुई नहीं हुई, गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड हो चुका है और मैनेजमेंट बोलता है कि मैं इसका डिस्क्लोजर पूरा कर दूंगा नोट्स टू अकाउंट्स में. ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं कर रहा है गोइंग कंसर्न. लिसन गाइस, गोइंग कंसर्न अजम्पशन अगर इनअप्रोप्रिएट है तो मैनेजमेंट को इमीडिएटली शिफ्ट होना चाहिए लिक्विडेशन बेसिस पे, एसेट्स लिक्विडेशन बेसिस पे शिफ्ट होना चाहिए, रियलाइजेशन बेसिस पे शिफ्ट होना चाहिए, एसेट्स को रियलाइजेबल वैल्यू पे लाना चाहिए, लाइबिलिटीज को पेबल वैल्यू पे लाना चाहिए, पूरा लॉस बुक करना चाहिए, पूरा लॉस बुक करना चाहिए, नोट्स टू अकाउंट्स में बताना चाहिए कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन अकाउंटिंग अजम्पशन इनवैलिड है, अजम्पशन इज इनवैलिड, उसको लेकर नहीं चल रहे हम लोग. अगर वो ऐसा करेंगे, अगर वो ऐसा करेंगे, उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज करेंगे तो हम लोग क्लीन ओपिनियन देते हैं. यस, आपने सही सुना, क्लीन ओपिनियन देते हैं हम लोग. अच्छा, लेकिन लेकिन अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनअप्रोप्रिएट है और आप कोई अकाउंटिंग नहीं कर रहे, सिर्फ डिस्क्लोजर दे रहे, डिस्क्लोजर ऑफ रॉन्ग अकाउंटिंग इज नॉट अ ऑल्टरनेटिव टू करेक्ट अकाउंटिंग. मैंने रॉन्ग अकाउंटिंग की है, इसको मैं डिस्क्लोज कर दूं. मैंने रॉन्ग अकाउंटिंग की है इसको मैं सिर्फ डिस्क्लोज कर दूं ये सॉल्यूशन नहीं है. दिस इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर रॉन्ग अकाउंटिंग. करेक्ट अकाउंटिंग इज द सॉल्यूशन फॉर रॉन्ग अकाउंटिंग. रॉन्ग अकाउंटिंग करना, रॉन्ग अजम्पशन लेना और जाके डिस्क्लोज मार देना सॉल्यूशन नहीं है. करेक्ट अकाउंटिंग करना ही उसका सॉल्यूशन है. तो यहां पे आपको पहले बताना पड़ेगा कि 570 और उसका बता दो, ओवरव्यू दे दो, फिर आपको स्टेप नंबर 3, पहले हम कंक्लूजन बनाते हैं मटेरियल अनसर्टेनिटी को लेकर, फिर कंक्लूजन बनाते हैं हम लोग गोइंग कंसर्न को लेकर, और वहां पर खासकर गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है और मैनेजमेंट अपना अकाउंटिंग का बेस चेंज करने को तैयार नहीं है, इफ दे आर नॉट रेडी टू चेंज, मैनेजमेंट डजंट वांट टू चेंज देयर बेस, तो हमको एडवाइस देना पड़ता है. ऐसा आप समझाएंगे, फिर आप पूरा केस डिस्कस करेंगे और फिर अल्टीमेटली आप बोलेंगे कि ये डिस्क्लोजर देना सॉल्यूशन नहीं होता, करेक्ट अकाउंटिंग करना ही सॉल्यूशन है. ठीक है, डिस्क्लोजर देना सॉल्यूशन नहीं होता, करेक्ट अकाउंटिंग करना ही सॉल्यूशन है. हमको एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा. We have to give adverse opinion. Disclosure by the management about inappropriate does not impact. Disclosure cannot save management from modification of the opinion. Disclosure by management about inappropriate does not impact. Does not impact यहाँ पे मतलब है cannot save company from modification. Help नहीं कर सकते from modification. Cannot save company from modification. I hope it is clear. So guys, it was again a good case. मैं बता रहा हूँ नए कोर्स के मॉड्यूल से बहुत सारे नए क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं 100%. इसमें से एमसीक्यू टपकेंगे, इसमें से एमसीक्यू आएंगे, इसमें से आपके केस स्टडीज आएंगे. वेरी बिग चांसेस, बहुत ज्यादा चांसेस है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, आगे बढ़ते हैं. टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग. तो कंपनी एंड ऑडिटर इज बीइंग ऑडिटेड बाय मेसर्स सीटीके एंड एसोसिएट फॉर फाइनेंशियल 22-23. ठीक है, बेसिकली ऑडिट हो रहा है कंपनी का. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग केस है. ऑडिट रिपोर्ट 31st of July 2023 को दी जा रही है. रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज 15th of April 2023. वेरियस कंफर्मेशन डिस्कवर रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या गड़बड़ है एनोमली में, क्या एनोमली है यहां पे. एनोमली का मतलब ऐसे 530 से मत लेना. व्हाट इज द एनोमली, क्या एनोमली है, क्या गड़बड़ है ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में. तो हम लोग पढ़ के आए थे डेट के बारे में, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन शुड बी टेकन एट द एंड ऑफ द ऑडिट. आखिरी में लेते, इट इज द लास्ट एविडेंस वी टेक, इट कंफर्म्स, इट सपोर्ट अदर एविडेंस, इट इज टेकन एट द लास्ट. It is taken at the last as close as possible to date of signing audit report. जितना close है उतना close, ताकि वो latest हो और उसमें जितने भी subsequent events और उससे connected बातें हो सब कुछ उसमें covered हो,
सबसिक्वेंट इवेंट के बारे में भी सब पूरा का पूरी चीजें कवर हो एंड बिफोर बिफोर साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए वो, ठीक है। यहां पे एग्जैक्टली यहां पे गैप बहुत ज्यादा है। अगेन इट्स अ न्यू क्वेश्चन, कभी इंस्टीट्यूट ने इस बात को टारगेट नहीं किया था। नए कोर्स का जब जब मॉड्यूल मैं देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि नया क्वेश्चन है, मजा आया इसके अंदर, ठीक है, बच्चे ये पढ़कर जाएंगे, ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार ये कॉन्सेप्चुअल पेपर भी पूछेंगे, दे विल आस्क कॉन्सेप्चुअल पेपर। कॉन्सेप्चुअल मतलब बातें तो वही है, बातें वही है, लेकिन क्या आपने उन बातों को महसूस किया है, क्या आपने बातों को रियलाइज किया है, ठीक है। और जब उस पर डिस्कशन होती है, चर्चा होती है, उस पर क्वेश्चन आता है, तो तब जाके हमारे दिमाग में विजुअलाइज होता है, अच्छा ये पॉइंट ऐसा था। बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। पॉइंट ये है कि ये बात आपको क्लिक हो गई थी क्या, ठीक है। मुझे लगता है 50% बच्चों को क्लिक हो जाता है, 50% बच्चों को क्लिक नहीं होता, कोई बात नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी, क्यू एंड ए की प्रैक्टिस। देखिए पहले एक बार मॉड्यूल कवर कर लेते हैं, मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव मॉड्यूल उसके पूरे क्यू एंड ए बहुत अच्छे से कवर हो जाए, क्योंकि वहां से मैक्सिमम वही से सब कुछ आने का है। फिर आगे की चीज देखते हैं नए कोर्स में हम और क्या क्या, क्यू एंड ए के ऊपर भी हम लोग मेहनत करेंगे, क्यू एंड ए के ऊपर भी कुछ अच्छा करने की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऐसे 580 आपको कॉन्सेप्ट यहां पे डेट और पीरियड वाला पूरा कॉन्सेप्ट और केस डिस्कशन एंड कंक्लूजन। द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज डेटेड 15th April एंड ऑडिट रिपोर्ट इज, दिस इज अ सिग्निफिकेंट गैप, सिग्निफिकेंट गैप, बहुत बड़ा गैप है। दिस इज अनयूजुअल थिंग, इतना बड़ा गैप होना। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की डेट 15th April है और साइनिंग 31 जुलाई है, मतलब मई जून जुलाई 3.5 महीने का गैप है। कुछ दिनों का गैप एक्सपेक्टेड था, 10 दिन 15 दिन, और यहां पे 3.5 महीने का गैप दे रहे। द ऑडिटर नीड टू कंसिडर इवेंट्स अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट दैट मे रिक्वायर एडजस्टमेंट्स और डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसको पूरा सब्सिक्वेंट इवेंट एनालाइज करना पड़ता है। द गैप बिटवीन द रिप्रेजेंटेशन डेट एंड ऑडिट रिपोर्ट डेट सजेस्ट दैट ऑल सब्सिक्वेंट इवेंट्स रिक्वायरिंग एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर माइट नॉट हैव बीन एड्रेस्ड बाय द मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन 15 अप्रैल का है, मतलब 15 अप्रैल को बोल रहे फाइनेंशियल, 15 अप्रैल को बोल रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर हमने रख दिया 15th अप्रैल, ठीक है, जबकि ऑडिट और पूरा सब कुछ कंप्लीट हो रहा है 31 जुलाई। यहां पे डाउट आ रहा है कि सबसीक्वेंट, मतलब मैनेजमेंट ने हो सकता है चाहिए सिर्फ 15th अप्रैल तक चेक किया, जो बीच में 3.5 महीने के सबसीक्वेंट इवेंट्स है उसको एनालाइज नहीं किया गया, उसके एडजस्टिंग इवेंट निकाली नहीं गए, उसकी अकाउंटिंग एंट्री नहीं की गई। माइट नॉट हैव बीन एड्रेस्ड, पूरे चांसेस है कि शायद उन्होंने उसको एनालाइज नहीं किया, 3.5 महीने में क्या सबसीक्वेंट इवेंट्स हुए, उसमें से कितने एडजस्टिंग इवेंट्स थे और उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं हुई बाय द मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंस द ऑडिट रिपोर्ट इज डेटेड, सिंस द ऑडिट रिपोर्ट इज डेटेड 31st of July, इट इंडिकेट्स दैट द ऑडिटर कंसीडर सबसिक्वेंट इवेंट्स अप टू दैट डेट, हाउएवर रिटर्न रिपोर्ट इज ओनली अप टू कवर अप टू 15th of April। तो इसमें दो चीजों को लेकर हम लोग बोल रहे हैं, डेट के बारे में बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा गैप है, इतना नहीं होना चाहिए था। हमको डाउट हो रहा है कि मैनेजमेंट ने सभी सब्सिक्वेंट इवेंट्स को बराबर एनालाइज करके, एडजस्टिंग इवेंट्स को आइडेंटिफाई करके प्रॉपर उसकी अकाउंटिंग और नोट्स अकाउंट्स पर डिस्क्लोजर किया कि नहीं किया, ये एक बहुत बड़ा डाउट है। क्योंकि वो प्योर सब्सिक्वेंट इवेंट्स में जो हमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए होता है वो ईयर एंड तक के चाहिए होता है, वो भी हमको नहीं मिल रहा, तो ये प्रॉब्लम है। हम लोग बोलेंगे कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की हमको डेट बढ़ाकर चाहिए, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की डेट हमको बढ़ाकर चाहिए। दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, दिस इज नॉट एज पर एस ए 580। वेरी गुड, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, ओके। तो मैं जनरली देख रहा हूं ये ट्रेंड कि टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में ऑल टुगेदर नए क्वेश्चंस है, और टेस्ट योर नॉलेज, टेस्ट योर नॉलेज के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है TY के, ये इसमें भी कुछ क्वेश्चंस नए हैं, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस पुराने भी डाले गए हैं। रमदान एंड कंपनी आर ऑडिटर्स ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2023, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि भाई, तो ऑडिट टाइमलाइन ऐसी है, ऑडिटर्स है, ऑडिट की डेट है 4th of May, ऑडिट रिपोर्ट, AGM है August 23, मई में ऑडिट होगा, अगस्त में AGM होगी, तो मई में ऑडिट हो चुका है। ऑडिट के 2 दिन बाद गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन आता है, 5,800 करोड़ का इंसेंटिव मई में मिलेगा, तो मार्च में साल खत्म हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज हो गया, ऑडिट रिपोर्ट बन चुकी है, उसके बाद में गवर्नमेंट का अप्रूवल आता है, 5,800 करोड़ के इंसेंटिव मिलेंगे, और
मई के महीने में वो पैसा मिल भी जाता है. द अमाउंट वॉज नॉट रिकॉग्नाइज इन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू इट्स नॉन रिलीज बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनसर्टेनिटी ऑफ रिसीट. और मई के एंड में मिल भी जाएगा, गवर्नमेंट बोल रहा है मिल भी जाएगा पैसा. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 8th ऑफ मई को अमेंड करते हैं, अमेंड द अकाउंट, फाइनेंशियल को अमेंड करते हैं, इंसेंटिव हमको पैसा मिलेगा ऐसा बुक करते हैं. डिटरमाइन इफ ऑडिटर कैन इश्यू न्यू ऑडिट रिपोर्ट बेस्ड ऑन द बोर्ड रिक्वेस्ट. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, साल खत्म हुआ, साल खत्म होने के बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज हुए, ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज हुई, उसके बाद में गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट आया कि तुमको 5,800 करोड़ का इंसेंटिव मिलेगा, मैनेजमेंट और मे में मिल जाएगा. मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज किया, वो इंसेंटिव को बुक कर लिया कि हमको इंसेंटिव मिलने वाला है. और अब ऑडिटर को बोल रहे हैं, ऑडिटर को बोल रहे हैं कि भाई साहब मुझे रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट दो, रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट दो. ठीक है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें, सर इसको कंपनीज एक्ट के हिसाब से सॉल्व करना है कि स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग के हिसाब से, ये पुराना क्वेश्चन है. ठीक है, बेसिकली ये प्योरली एक क्वेश्चन है ऑन रिविजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये प्योरली क्वेश्चन है ऑन रिविजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 130 और 131, सेक्शन 130 टॉक्स अबाउट मैंडेटरी, सेक्शन 130 बात करता है मैंडेटरी रिविजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर, 131 बात करता है वॉलंटरी रिविजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर. उसमें मैंने आपको बताया था कि एक 560 में कि एजीएम के पहले, एजीएम के पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करना बहुत आसान होता है ओवरऑल, और एजीएम के बाद में उसको रिवाइज करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स लग जाती है. इसलिए एजीएम के पहले कुछ पता चले तो आप रिविजन कर लो, एजीएम के बाद पता चले तो उसको अगले साल एज अ, उसको अगले साल बुक करो एज रेक्टिफिकेशन प्रायर पीरियड आइटम और व्हाटएवर, अगले साल में डाल लो. अगर तो यहां पे जो मैनेजमेंट कर रहा है बिल्कुल सही है, मैनेजमेंट को क्लैरिटी मिल गई कि 5,800 करोड़, छोटा अमाउंट नहीं है, 5,800 करोड़ हमको मिलेंगे. मैनेजमेंट को पूरी क्लैरिटी मिल गई तो मैनेजमेंट अमेंड कर रहा है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, इनकम बुक कर रहा है, रिसीवेबल बुक कर रहा है, और हमको बोल रहा है कि नई रिपोर्ट दे दो. मैनेजमेंट अगर नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, रिवाइज करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हम एज अ ऑडिटर सी अ न्यू इन्फॉर्मेशन हैज कम अप, ऑल टुगेदर अ न्यू इन्फॉर्मेशन हैज कम अप व्हिच हैज चेंज्ड मैनेजमेंट्स, व्हिच हैज चेंज्ड द वे मैनेजमेंट थिंक्स, इट हैज चेंज्ड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वी शुड ऑल्सो गिव अ रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट. वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज कर रहे हैं, हम लोगों ने भी डेफिनेटली रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट देनी चाहिए. ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसे 560 का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, इट्स अ रिविजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है, मतलब ठीक, लेकिन इन्होंने उसको ऐसे 560 का एंगल दिया है. देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स का ठीक है एंगल दिया है, इन्होंने इसको बोला है फैक्ट्स, इन्होंने इसको ट्रीट किया है फैक्ट्स. अब बेसिकली फैक्ट्स क्या होते हैं, कोई ऐसी चीज जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, पहले से एग्जिस्ट कर रही थी एज ऑन डेट ऑफ साइनिंग, वो थी चीज, हमको अभी पता चली, हमको पहले पता चलती तो हमारा ओपिनियन बदल देते. ये जो गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है, मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकता ये पहले दिन से एग्जिस्ट कर रहा था, मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकता दैट इट वॉज एग्जिस्टिंग फ्रॉम डे वन, पहले दिन से एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इट वॉज एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट, वो एग्जिस्ट कर रहा था मामला, बस हमको पता नहीं चला था. ठीक है, शायद मैं क्योंकि उनका ऑर्डर ही 6 तारीख को आया, मतलब वो डिसीजन ही उस दिन हुआ है, वो डिसीजन ही उस दिन हुआ है. ठीक है, तो ऐसे की जरूरत नहीं थी लगाने की, लेकिन इन्होंने इसको क्या बोला, लिसन, इन्होंने बोला जो गवर्नमेंट का, अब हमको इनके हिसाब से जाना पड़ेगा भैया, कई कई पे हमको इंस्टीट्यूट की बात रखनी पड़ती है. ठीक है, यहां पे इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े अजीबोगरीब है. इंस्टीट्यूट ने बोला कि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर हमको पता चला, ये बात पहले से एग्जिस्ट करती थी, हमको पता नहीं थी, हमको पता चली बाद में, उन्होंने उसको ऐसा ट्रीट किया जो कि बहुत टेक्निकली सही ऐसा नहीं है. एनीवेज, इंस्टीट्यूट ने गवर्नमेंट की जो बात पता चली उसको उन्होंने फैक्ट्स ट्रीट किया, फैक्ट्स ऑफ द अर्लियर पीरियड ट्रीट किया, विच इफ नोन अर्लियर वुड हैव चेंज्ड ओपिनियन, उसको ऐसा ट्रीट किया. ठीक है, ऐसे केस में अगर आपको याद है, ऐसे ऑब्लिगेशन नहीं होता लेकिन इन्फॉर्मेशन पता चले तो हम चेकिंग करते हैं, जाके डिस्कस करते हैं, फिर सोचते हैं अमेंडमेंट लगेगा क्या, मैनेजमेंट को पूछते हैं भाई अमेंडमेंट का इंटेंशन क्या है. अगर मैनेजमेंट अमेंड करेगा, रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, तो हम भी ऑडिट प्रोसीजर्स को एक्सटेंड करेंगे, हम भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स के अमेंडमेंट्स को चेक करेंगे, ऑडिट प्रोसीजर्स को एक्सटेंड करेंगे. ठीक है, और एक रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट देंगे.
ध्यान रखना, पहले वो रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करेंगे, फिर हम लोग रिपोर्ट देंगे। तो इंस्टीट्यूट ने उसको गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन मिलना, उसको फैक्ट ट्रीट किया, फैक्ट्स के बारे में पूरा समझाया, ठीक है। केस डिस्कशन एंड कंक्लूजन में इंसेंटिव 5,800 आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर फाइनेंस एंड रिपोर्ट साइंड, इट शुड बी प्रॉपर एंड अमेंड्स द अकाउंट, रिवाइज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट फ्रेश ऑडिट रिपोर्ट, वील डेफिनेटली गिव इट बेस्ड ऑन SF 560 कैन इशू, हम डेफिनेटली कैन इशू न्यू ऑडिट रिपोर्ट, हाउ द रिपोर्ट शुड नॉट बी साइंड अर्लियर देन द अप्रूवल ऑफ अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, तो लेट्स फ्रीज गाइस। इंस्टीट्यूट ने गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन को फैक्ट करके बोला और उस तरीके से साइन किया है, जो कि मैं बोलूंगा बेनिफिट ऑफ डाउट में, चलो ठीक है, मान लिया, थोड़ी बहुत आपकी मान लेती, इट इज नॉट एक्जैक्ट थिंग, बट देन इट्स अ इंटरेस्टिंग केस ऑल टुगेदर, ये अच्छा केस है, ठीक है। रिवाइज करेंगे, हम भी रिवाइज करेंगे। अब यहां पर अगर आपका केस देखा हुआ है, यही मैजिक है, अगर ये केस देखा हुआ है तो आपके दिमाग में बहुत क्लैरिटी होगी कि मुझे SF 560 के हिसाब से बनना है। नहीं तो एग्जाम में तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई मैं सेक्शन 130, 131 लगाऊ क्या, उसके हिसाब से आगे बढ़ू क्या। इट इज एग्जाम क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ है। नाउ एयरलिफ्ट लिमिटेड इज इन बिजनेस ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बाय एयर, कंटिन्यूस फाइनेंशियल लॉसेस, ठीक है, कंपनी को कंटिन्यूस फाइनेंशियल लॉसेस है, कंटिन्यूस फाइनेंशियल लॉसेस, ठीक है। रिडक्शन इन सेल्स है ड्यू टू स्टिफ कॉम्पिटिशन एंड फ्रीक्वेंट एयरक्राफ्ट ब्रेकडाउन, बहुत ज्यादा लॉसेस है क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, प्राइसिंग पे प्रेशर है बहुत ज्यादा एयरक्राफ्ट, तो फाइनेंशियल इश्यूज है, ऑपरेशनल इश्यूज है। अभी पेंडिंग फाइनलाइजेशन है, मैनेजमेंट इज अनसर्टेन अबाउट कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू, मैनेजमेंट को खुद को डाउट है कि हम कंटिन्यू कर पाएंगे क्या। A committee has been formed to study the situation. Committee बनाई है एक situation को study करने के लिए. Suggest recovery measures. Management plans to disclose uncertainty regarding going concern in notes to accounts. Determine the reporting requirement. Reporting requirement बताई. Okay. So basically financial problems है, operational problems है. Management खुद बहुत confusion में है कि क्या होने वाला है. उन्होंने committee भी बनाई है. Management accept कर रही है that there is an uncertainty over going concern. इसका मतलब management is accepting material uncertainty. मैनेजमेंट एक्सेप्ट कर रहा है मटेरियल अनसर्टेनिटी को, और इसमें क्या होगा बता रहा है, तो बहुत सिंपल है। मैनेजमेंट को अपने नोट्स टू अकाउंट्स में प्रिंसिपल इवेंट्स प्रॉपर, आपको स्टेप नंबर 3 का मटेरियल अनसर्टेनिटी मतलब क्या समझाना चाहिए, उसका डिस्क्लोजर आना चाहिए, प्रिंसिपल इवेंट्स कंडीशन, ठीक है, क्या है वो समझा, फिर प्रिंसिपल इवेंट्स कंडीशन क्या है वो समझाना चाहिए, इट इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी वो बताना चाहिए, अगर आपको याद आ रहा है मटेरियल अनसर्टेनिटी लिखना चाहिए, बिकॉज ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी एसेट्स मे नॉट बी रियलाइज्ड in normal course of business and liabilities may not be paid in normal course of business. SF 570 का, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आंसर पढ़ो इस फ्लो में आपने चलना चाहिए, आंसर को ड्राफ्ट करना चाहिए, सोचने का तरीका स्ट्रीमलाइन होता है, आंसर कैसे बनाऊ मैं वो तरीका स्ट्रीमलाइन होता है, कॉन्सेप्ट आपको बताना पड़ेगा, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट विथ और विदाउट मटेरियल अनसर्टेनिटी आपको समझाना पड़ेगा। मैं बोलता हूं पहले मटेरियल अनसर्टेनिटी को समझाओ, मेरे हिसाब से पहले मटेरियल अनसर्टेनिटी आप बताओ, उसका डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स में कैसा डालना पड़ता है, फिर आप बोलो कि भाई गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है विद मटेरियल अनसर्टेनिटी, ठीक है। हम लोग हमारी तरफ से एक सेपरेट सेक्शन डालेंगे मटेरियल अनसर्टेनिटी ऑफ गोइंग कंसर्न, हम मुद्दे को समझाएंगे, रेफर करेंगे और बोलेंगे अवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन दिस रिस्पेक्ट, सेपरेट सेक्शन रहेगा मटेरियल अनसर्टेनिटी एंड एक्सप्रेस एंड unmodified opinion. This section should highlight note in the financial statement state that the potential impact of the uncertainty on company's operation. तो वो separate जो section आएगा उसमें क्या लिखना होगा वो यहाँ पर बताया हुआ है, क्या बातें लिखनी होगी वो यहाँ पे समझा इन्होंने, ठीक है। Again a good one, ठीक है, ये repetition है, ये पहले आया हुआ है ये केस, it's a repetition. Now Make My Journey Limited is in business of tours and travel. Make My Journey, Make My Trip की जगह Make My Journey, MMT की जगह MMJ, और turnover है 2000 करोड़, profit है 190 करोड़. Need for written representation, letter from the management. Daughter. Confusion चल रहा है थोड़ा written representation को लेकर. Management argue कर रहा है. It can be verbal. वर्बल है, हमने ऑडिट के दौरान सब बोला, हम लिख कर ही देंगे, कंप्लीटेड इंक्लूडिंग वर्बल डिस्कशन सब कर दिया, ऑडिट एक्सप्लेनेशन एम्फसाइज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन,
तो बेसिकली दोनों में झगड़ा चल रहा है, एक बोल रहा है कि यार तेरे को ओरली बता देना उतना काफी है, एक बोल रहा है तेरे को ओरली बता दिया ना मैंने उतना काफी है, दूसरा बोल रहा है नहीं यार मेरे को तो रिटर्न रिप्लेन चाहिए रिगार्डिंग द डेट एंड पीरियड कवर्ड, कंफ्यूजन फिर बाद में बोल रहे हैं, अल्टीमेटली डेट एंड पीरियड पर बात कर रहे हैं, डेट एंड पीरियड पर बात कर रहे हैं, हम डिस्कस करते हैं, इट शुड बी एट द एंड, आखिरी में होना चाहिए, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ऑडिट एज क्लोज एज पॉसिबल होना चाहिए, लेकिन साइन करने के पहले होना चाहिए, आप कॉन्सेप्ट ठीक है। फिर वहां पे वो बता रहे हैं, जनरली ऐसा होता है, कुछ और बातें बता रहे हैं, देखो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग में बहुत डिस्कशन है, उसमें से कुछ और बात रही, समटाइम्स ऑडिटर में नीड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट स्पेसिफिक असर्शन ड्यूरिंग द ऑडिट, कभी कभी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भाई इन्वेंटरी कोई बात है तभी के तभी लिख कर ले लेते हैं, मशीनरी की यूजफुल लाइफ की बातें तभी के तभी, कभी कभी हम लोग ऑडिट के दौरान तभी के तभी कुछ बातें लिख कर लेते हैं, ड्यूरिंग द ऑडिट इफ सो एन अपडेटेड रिटर्न माइट बी नेसेसरी। तो ये बोल रहे थोड़ा और बता रहे डेट के बारे में, बोले कभी कभी ऐसा होता है कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक असर्शन है, स्पेसिफिक बातें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी हुई है और फाइनेंशियल में उसका इंपैक्ट है, उसको लेकर हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ड्यूरिंग द ऑडिट ले लेते हैं, और हो सकता है एंड तक सिचुएशन बदल गई हो, चीजें चेंज हो गई हो और हम लोग फिर से उसको कंफर्म करवाए, ठीक है। फिर और एक चीज बोले, द ऑडिटर मैनेजमेंट कैन अग्री ऑन फॉर्म द अपडेट फॉर्म दैट अपडेट्स प्रायर रिटर्न रिप्रेजेंट बाय एड्रेसिंग एनी चेंजेस। सर ये क्या है, अपडेटिंग प्रीवियस रिप्रेजेंटेशंस। देखो मैंने ये डिस्कस किया था, आपको एक बार बता दूं, अगर कल डाउट भी था इसको लेकर, ठीक है, हम लोग कभी कभी दो साल पे ओपिनियन देते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे ऐसे 710 में, एक ही ऑडिट रिपोर्ट बनती है, दो ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनती, एक ही ऑडिट रिपोर्ट बनती है, कभी कभी हम लोग दो साल पे ओपिनियन देते हैं, अगर हम लोग दो साल पे ओपिनियन देंगे तो हमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी दो साल का लगता है, हमको जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लगेगा, हमको जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लगेगा वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी हमको दो साल का लगता है, ठीक है। सर पिछले साल का ऑडिट हुआ था, उस पर ओपिनियन दिया था, तब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिला था, इस बार फिर से ओपिनियन दे रहे, फिर से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए, अगर दो साल को रेफर कर रहे, दो साल पे ओपन दे रहे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी दो साल का होगा। तो मैनेजमेंट कभी कभी बोल सकते, ऑडिटर मैनेजमेंट कैन अग्री ऑन अ फॉर्म दैट अपडेट्स प्रायर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बाय एड्रेसिंग एनी चेंजेस। हो सकता है कि मैनेजमेंट बोले देखो पिछले साल का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया था, उसकी कॉपी में अटैच करता हूं, सिर्फ इसमें एक दो जगह पे चेंजेस है वो लिखकर तुमको देता हूं, क्या ऐसा चलता है, क्या ऐसा चलेगा, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन आप कंफर्म करिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन इसमें दी थी वो बिल्कुल सही है, आज भी रिलेवेंट है, बस एक हाथ दो चेंज है जो मैं आपको बता रहा हूं। सो यस समटाइम्स वी कैन हैव इट ड्यूरिंग द समटाइम्स वी कैन हैव रिटर्न रिपेमेंट ड्यूरिंग द ईयर एंड देन गेट अपडेटेड वन एट द एंड, समटाइम्स लास्ट ईयर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज टेकन और उसमें क्या क्या चेंजेस है वो चेंजेस बस अपडेट करके दे दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे 710 हम जब पढ़ेंगे तो इस पर और डिस्कशन होगा, डिस्कस करिए फॉलो द प्रिंसिपल्स। तो डेट को लेकर अभी हमने देखा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में डेट को लेकर बहुत डिस्कशन है,